नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे आधार और पैन कार्ड से बल्ब लेने वाले लोगों के लिए। ये खबर जो है उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी तक जो खबरें निकल कर सामने आई उसमें कहा जा रहा है कि आधार कार्ड और पैन कार्ड से जुड़ा हुआ जो है वो बल्ब गाँव के लोगों को दिया जा रहा है। और उस जो भी लोगों को ये बल्ब दिया जा रहा है वो जो है सावधान हो जाए, क्योंकि ये जो खबर है ये उनके लिए है। आगे हम बताएंगे विस्तार से कि क्या कुछ है इस खबर में। बिहार के लगभग सभी जिलों में इन दिनों 10 रुपये का LED बल्ब बांटने की योजना चल रही है। यह योजना केंद्र सरकार के ऊर्जा मंत्रालय की ओर से चलाई जा रही है। इस योजना के तहत ग्रामीण इलाके में लोगों को सब्सिडी वाले रेट पर LED बल्ब उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि लोग अब पीले बल्ब को इस्तेमाल न कर सकें और बिजली का बचत भी हो सके। बता दें कि निजी एजेंसी के लोग भी अब जो है प्रदेश में घूम घूम कर बल्ब बांट रहे हैं। लोग कम पैसे में बल्ब मिलने के लोभ से आधार कार्ड, पैन कार्ड और फिंगरप्रिंट लगाकर जो है यह बल्ब को ले रहे हैं। अब जो है लोगों के मन में यह शंका हो रहा है कि यह सही है या फिर गलत है। इस आशंका को लेकर दैनिक जागरण ने पड़ताल किया, जिसमें सस्ते में LED बल्ब देकर आपसे पैन और आधार कार्ड की फोटोकॉपी मांगने वाले, फिंगरप्रिंट लेने वाले सीधे तौर पर आपसे फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। ये जो दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट जो सामने आई, उसमें उन्होंने कहा कि अगर आपसे कोई व्यक्ति आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपसे फिंगरप्रिंट लेकर कह रहा है कि 10 रुपये में आप बॉल ले लीजिए, तो ये जो है आपसे फर्जीवाड़ा कर रहा है। हम आपको आगे बताएंगे कि कैसे जो है वो किस तरह से आपसे फर्जीवाड़ा कर रहा है। आप ऐसे लोगों से सतर्क रहें। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के ऊर्जा मंत्रालय की ग्राम उजाला योजना के तहत LED बल्ब देने तक ही सिर्फ उसको बिजली बिल के ही दिखाना होगा। यानी कि आपको जो है LED बल्ब लेने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ जो है आपको बिजली बिल दिखाना होता है। इसके अलावा किसी कागजात की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ऐसे में अगर आपने किसी भी व्यक्ति को बल्ब देने के नाम पर पैन कार्ड, आधार कार्ड और उसका फिंगरप्रिंट दिया है, तो आप अपने निकटतम थाना में जाकर इसकी शिकायत जरूर करें। बता दें कि केंद्र सरकार के ऊर्जा मंत्रालय की कन्वर्जन एजेंसी लिमिटेड की ओर से पीले के बदले LED बल्ब का वितरण किया जा रहा है। बता दें कि केंद्र की इस योजना का नाम ग्राम उजाला योजना है। इस योजना को लाने के पीछे सरकार की मंशा यह थी कि पीला बल्ब के बदले में लोग LED बल्ब का उपयोग करें, जिससे कि ऊर्जा की बचत हो सके। बता दें कि बिहार में 19 मार्च 2021 को यह योजना की शुरुआत आरा से की गई थी। कन्वर्जन एजेंसी लिमिटेड के बिहार प्रमुख राकेश प्रताप यादव ने कहा कि इस योजना के तहत पैन व आधार कार्ड की छाया प्रति अथवा फिंगरप्रिंट लेने का प्रावधान नहीं है। इसमें सिर्फ बिजली विभाग के उपभोक्ता होने का प्रमाण देना होगा, यानी कि बिजली का जो कनेक्शन है वो दिखा सकते हैं या फिर बिजली बिल जो है आप वो दिखा सकते हैं। उन्होंने कहा कि बिजली बिल दिखाकर कोई भी परिवार 5 LED बल्ब ले सकता है। इसके बदले में उन्हें एक बल्ब का 10 रुपया देना होगा। तो इस तरह से अगर आपने भी अगर कभी जो है, क्योंकि प्राइवेट ऐसी कई लोग हैं जो गलत तरीके से पैसे कमाना चाहते हैं, तो आखिर वो आपका फिंगरप्रिंट, आपका आधार कार्ड या पैन कार्ड वो क्यों ले रहे हैं। तो इसके पीछे जो तर्क दिया जा रहा है और बताया जा रहा है ये कि आपके अकाउंट से जो है वो पैसे खाली कर सकते हैं, तो इसलिए आप सावधान हो जाएं। और इस तरह के लोग अगर आपके पास आते हैं तो आप पुलिस में इसकी शिकायत जरूर करें। बिहार और बिहार से जुड़ी और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।